टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के एक्सपेरिमेंट्स में से और एक एक्सपेरिमेंट कौन सा है, दी गई सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मालूम करना है आपको। जैसा कि आप सबको पता है कि सीमेंट डायरेक्ट झोले में आती है, बैग्स में आती है, कंपनी वाला भेजता है, अलग अल्ग कंपनीज है, जैसे कि अल्ट्राटेक है, ACC सीमेंट है, कोरोमंडल सीमेंट है, कई ब्रांड्स है सीमेंट के। तो हर भी जनरली मान लीजिए 53 ग्रेड की सीमेंट है समझिए, तो वो व्हाट इज मेंट बाय दैट 53 ग्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 53 ग्रेड, उसका मतलब है जो भी सीमेंट आपके सामने है इफ इट इज मार्क्ड एज 53 ग्रेड इट मींस दैट इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 53 MPa। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? 53 MPa, यानी 53 न्यूटन पर mm2। लेकिन हम उसको डायरेक्ट मान नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारी बनती कि क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में उसकी जो है जांच की जाए उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सही है कि नहीं, पता करना पड़ेगा ना, टेस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, टेस्ट करके ही साइट में इस्तेमाल होगी वो सीमेंट, या ये कंपनी वाला जो सीमेंट दिया ये ब्रांड बिल्कुल इसकी 53 न्यूटन पर mm2 है या उससे ज्यादा है, कम नहीं होना चाहिए, तब उसको आप सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर mm2 है। तो मेरा हमारा मकसद है अभी ये एक्सपेरिमेंट में कि जो भी आपके सामने सीमेंट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का को मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, कोड क्या बोलता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करने का तरीका सीमेंट का, कि कोड ये बोलती है कि हमको एक सीमेंट मोर्टार बनाना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय सीमेंट मोर्टार? कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड सीमेंट सीमेंट वाटर, वाटर, यस सर, राइट, यस। तो ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा सीमेंट और सैंड का? 1:3, यस सर। एक हिस्सा सीमेंट है तो 3 हिस्से रेती होगी, फाइन एग्रीगेट होगी। और पानी कितना मिलाएंगे? जितना स्टैंडर्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है, yes, यानी हम उसका अलग एक्सपेरिमेंट है 30% से, 30% से वाइकट ऑपरेटर से उसको मालूम करेंगे, मालूम करके यानी आप वेरिएबल क्या है वो एक्सपेरिमेंट में कंसिस्टेंसी में, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट में, आप जितनी भी वेट ऑफ द सीमेंट लेते हो उसका परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड करते हैं। तो पहले क्या करते, आप 200 ग्राम सीमेंट ले लिए तो 200 ग्राम का 10% पानी मिलाते, 10% पानी मिलाए तो कितना होगा, 200 का 10% कितना होगा, 20 ml पानी ले लेके वो 200 ग्राम सीमेंट में मिला के पेस्ट में बनेगा, वो पेस्ट को लेके जाके वहां पे मोल्ड में रख के वाइकट ऑपरेटर के नीडल को पेनिट्रेट करते हैं। कब तक पेनिट्रेट होना है नीडल? पूरा पेनिट्रेट है, नीचे से सिर्फ 5 mm बाकी रहना है, पूरे डेप्थ में नीचे से 5 mm यानी ऑलमोस्ट पूरा पेनिट्रेट होता हो, नीचे से 5 mm गैप। तो